गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर ओपी राय का आप सभी एलएसए विद्यार्थियों का न्यू उड़ान क्लासेस ऑनलाइन ऐप पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। चलिए फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग ए फ्रेश टॉपिक, वेटनरी जेनेटिक्स। पशुधन सहायक के अंदर वेटनरी जेनेटिक्स का जो पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है और बहुत ही मेजर पार्ट भी आपके यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। वेटनरी जेनेटिक्स, पशुधन अनुवांशिकी के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं वेटनरी जेनेटिक्स। सबसे फर्स्ट हम ये समझेंगे कि इस वेटनरी जेनेटिक्स के अंदर अनुवांशिकी के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। वेटनरी जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी की बात करेंगे, अनुवांशिकी। इस अनुवांशिकी की बात करेंगे तो यहां की डेफिनेशन परिभाषा की यदि हम बात करेंगे तो वो ये हो जाएगी, पशु विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति, इंग्लिश में कहते हैं इसको हेरिडिटी, एवं विभिन्नताओं जिसे हम कहते हैं वेरिएशंस, वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। वेटनरी जेनेटिक्स, पशु अनुवांशिकी हम बात करेंगे तो पशु विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करने वाले हैं कि पशुओं की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे हम यहां पे। तो चलिए फ्रेंड्स, जेनेटिक्स की हम बात कर रहे थे, अनुवांशिकी हम बात करते हैं। तो यहां पे पशु विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं की वंशागति, हेरिडिटी एवं विभिन्नताओं, वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब हम यहां पे देखने वाले हैं कि यहां पे जो दो वर्ड्स आ रहे हैं इस जेनेटिक्स के अंदर, कितने वर्ड्स आ रहे हैं, टू वर्ड्स आ रहे हैं, दो शब्द आ रहे हैं यहां पे। पहला जो शब्द है वो एक वंशागति और दूसरा जो है वो है विभिन्नताएं, यानी कि वेरिएशंस की हम बातें करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सबसे पहले वंशागति की, कि वंशागति क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है। वंशागति, हेरिडिटी, ओके। हेरिडिटी के अंदर हम बात करेंगे तो इस हेरिडिटी के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं या क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है। यहां पे देखेंगे कि पशुओं के आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरण। इसका मतलब ये हो जाएगा, वंशागति यानी हेरिडिटी की हम बात करेंगे तो पशुओं के जो आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं। चलिए दूसरा जो आता है वो होता है विभिन्नताएं, विभिन्नताएं, वेरिएशंस की हम बात करते हैं। तो क्या होती है वेरिएशंस, वेरिएशंस का मतलब होता है कि पशुओं की किसी एक ही स्पेसीज यानी कि प्रजाति की बात करेंगे, एक ही
स्पीसीज से उत्पन्न संततियों में असमानताएं, उत्पन्न संततियों में असमानताएं। ओके, विभिन्नताओं का मतलब ये होता है कि जो पशुओं की किसी एक ही स्पीसीज से उत्पन्न जो भी संततियां प्रोजीनी होगी उनमें जब असमानताएं आ जाएगी इसी को हम कह देते हैं विभिन्नताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां तक आपका समझ में आ रहा है। पहली चीज हम देख रहे थे वेटनरी जेनेटिक्स की, हम बात करते हैं आनुवांशिकी की बात करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे पशु विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, वेटनरी जेनेटिक्स कहा जाता है। ओके, वंशागति हेरिडिटी की बात करेंगे तो पशुओं के आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो स्थानांतरण हो जाएंगे उसको हम कह देते हैं वंशागति। विभिन्नताएं का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पशुओं की किसी एक ही प्रजाति से उत्पन्न संततियों में जब असमानताएं आती हैं इसी को हम कह देते हैं विभिन्नताएं। और आपको पता है जो विभिन्नताएं जो होती है यही विभिन्नताएं होती है इंपॉर्टेंट होती है जीव विकास में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है, जीवों के, जो पशु जीव होते हैं उनके जीव विकास में ये सहायक होती है। याद रखना इसकी क्या मतलब, प्रॉफिट हमें क्या लाभ होगा है? तो जीव विकास में सहायक होती है जो विभिन्नताएं होती है। तो चलिए फ्रेंड, यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि हमने आनुवांशिकी को देखा है, वंशागति की हम परिभाषा हम देख चुके हैं और विभिन्नताएं की बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था जनरली कि हम जेनेटिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले थे जो कि हमने ये यहां तक देखा है। चलिए अब हम इसको यहां समझते हैं कि जेनेटिक्स को हम छोटे से डायग्राम से समझते हैं कि भाई हम कैसे और किसको कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहां तक हो चुका है। चलिए अगला हम देखेंगे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि वास्तव में जेनेटिक्स है क्या, आनुवांशिकी कैसे हम समझ सकते हैं, आनुवांशिकी इसी को हम कैसे समझेंगे। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल की बात करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक होती है वंशागति और दूसरी होती है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं, चलिए वंशागति और विभिन्नताएं दो चीजें मिलकर बनाती है हमारे यहां पे आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। कैसे, जैसे कि हम पशु जीवों की बात करेंगे, हम पशु जीव की बात कर रहे हैं। ओके, अब पशु जीव की बात कर रहे हैं तो कोई भी जो संतान उत्पन्न होगी, जो भी संतति उत्पन्न होगी पशु जीव की, उसके क्या होंगे, फादर एंड मदर, यानी कि उसके भी क्या होंगे, पैतृक होंगे। तो उसकी कोई माता और पिता की हम बात करेंगे, इससे क्या होगा, दोनों के संयुग्मन निषेचन इस प्रक्रिया से आगे क्या हो जाएगा, यहां पे कोई, यहां पे एक संतति उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर ये जो संतति होती है, मान लेते हैं संतति क्या है, नर है, तो ये किसके साथ में, मादा के साथ में क्रॉस करेगी वापिस, इससे भी क्या होगी, वापिस कोई एक संतति प्राप्त होती है। ठीक है, मान लेते हैं इसको हम कहते हैं ये हमारी पहली पीढ़ी है, इसको हम कह देते हैं प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं, मान लेते हैं द्वितीय पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी कह देते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम समझते हैं कि आनुवांशिकी है कैसे, क्या है यहां पे। ओके, तो देखते हैं कि सबसे पहले माता और पिता से यहां कोई संतति आई, फिर उस संतति ने वापिस यहां पे निषेचन प्रक्रिया के द्वारा वापिस एक कोई संतति यहां पे उत्पन्न हो गई है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि भाई देखिएगा, यहां माता और पिता, जो भी मादा और इस नर की बात करते हैं, तो इन दोनों के जो लक्षण है, इन दोनों के लक्षण कौन सी पीढ़ी में जा रहे हैं, यहां पे पहली पीढ़ी में जा रहे हैं, फिर इन दोनों के क्रॉस संकरण से क्या होगा, इन दोनों के लक्षण कहां जाएंगे, यहां पे जा रहे हैं। इसका मतलब कि जो भी पशु जीवों के जो आनुवांशिक लक्षण है, यानी कि इनके अंदर, मादा के अंदर या नर के अंदर है, तो इनके जो लक्षण है वो कहां जाएंगे, उनके संतति में जाएंगे, और इन्हीं के वापिस संकरण कराएंगे तो इनके जो लक्षण होंगे वो भी कहां जाएंगे, अगली पीढ़ी में जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि पशु जीवों के जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो
एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जब स्थानांतरण हो जाते हैं उसी को हम कह देते हैं वंशागति। क्या कह देते हैं? वंशागति कह देते हैं। पहली चीज समझ में आई हमें वंशागति क्या होती है, कि जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर स्थानांतरण यहां पर हो रहे हैं। चलिए फ्रेंड, दूसरा वर्ड है हमारे पास में वेरिएशंस, यानी कि विभिन्नताएं। अब यहां पे विभिन्नताएं कैसे देख लेते हैं, कि मान लेते हैं कि यहां पे सबसे पहले मादा और जो नर है दोनों के संकरण हुआ, और संकरण से क्या होगा, कोई ना कोई संतति उत्पन्न होगी। क्या होगी? संतति उत्पन्न होगी, तो ये पहली पीढ़ी में होगी। फिर ये वापिस संतति क्या होगी, अपने जो अपोजिट सेक्स होगा, विपरीत लिंग होगा, उसके साथ संकरण होगा, और संकरण से क्या होगा, अगली पीढ़ी आएगी, अगली संतति उत्पन्न हो जाएगी। तो यहां पे हो क्या रहा, आप यहां पे देखेंगे कि कोई भी जो माता और पिता है उनसे उत्पन्न क्या होगी, संतानें होगी। आपको यह भी पता है कि वो जो संतानें हैं वो कभी भी 100% सेम नहीं रहती है, 100% समान नहीं रहती है, होता है ना, डिफरेंस होगा। किसी भी, है ना, किसी भी पशु जीव के देख लीजिए, है ना, उनके दो संतान दो बच्चे होंगे तो वो दोनों क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, कभी भी वो 100% सेम नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा ये जो संतति आएगी, क्या ये 100% उसके माता जैसी होगी, कभी भी नहीं हो सकती। क्या 100% पिता नर जैसी होगी, नहीं होगी। इसका मतलब कुछ लक्षण यहां माता से आएंगे और कुछ लक्षण पिता से भी आएंगे। इसका मतलब किसी भी एक स्पीसीज के हम देख रहे हैं उनसे जो उत्पन्न संतति होती है वो कभी भी क्या होती है, समान नहीं होती है, वो हमेशा क्या रहती है, असमान ही रहती है। थोड़ा सा उसमें अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग यानी कि लक्षण आएंगे, और जब अलग अलग लक्षण आते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विभिन्नता है। हमने विभिन्नता की परिभाषा में भी तो यही लिखा था कि किसी जब पशु जीवों के अंदर क्या करेंगे, जब एक ही स्पीसीज से उत्पन्न जो संततियां होती है उनमें उत्पन्न जो असमानताएं होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। यहां पे भी यही है कि भाई जो नर और मादा है, माता और पिता है, इनसे होने वाली जो भी संतानें होती है वो कभी भी समान नहीं रहती है, असमान ही होती है। उनके अंदर लक्षणों की बात करेंगे, वो लक्षण भी क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे। और वो होने वाले उत्पन्न होने वाले संतान की बात करेंगे, वो 100% माता जैसी नहीं हो सकती है, 100% उसके नर यानी कि उसके पिता जैसी और माता जैसी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसके अंदर डिफरेंस यहाँ पे आएगा। सेम अगली वाली पीढ़ी में भी यही होगा, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से संकरण होगा और ये संतान आएगी। अब यहाँ पे भी जो संतानें आएगी, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 से 3 पशु जीव की संतान है, वो तीनों कभी भी सेम नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ उनके अंदर डिफरेंस यानी कुछ ना कुछ अलग लक्षण ही यहाँ पे प्रकट होते हैं। ओके, और यहाँ पे ये जो उत्पन्न संतति होती है ये कभी भी उसके उसके जो मदर एंड फादर होंगे तो उनके भी समान ये कभी भी नहीं हो सकती है। इसका मतलब यानी कि एक ही स्पीसीज से उत्पन्न होने वाली संततियों में उत्पन्न जो असमानताएं होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां तक हमने बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ में भी हम समझ चुके हैं कि वास्तव में अनुवांशिकी है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए, अनुवांशिकी में किसका स्टडी करेंगे, दो चीजों की स्टडी करते हैं, किस किस की, वंशागति हेरिडिटी और वेरिएशंस विभिन्नताएं जो होती है उनका हम यहां पर अध्ययन करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि अनुवांशिकी जो है जेनेटिक्स, वेटनरी जेनेटिक्स की बात करते हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, यानी कि विज्ञान की वह पशु विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं की वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन यहाँ पे क्या था। वंशागति क्या होती है आपको पता लगेगा, क्या होगी वंशागति का मतलब होगा कि पशुओं के जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होना क्या कहलाएगा, हेरिडिटी यानी कि वंशागति कहलाएगा। विभिन्नताएं की बात करते हैं, किसे कहेंगे विभिन्नताएं, वेरिएशंस क्या होती है, यानी कि आप देख रहे हैं कि एक ही स्पीसीज के जो नर और मादा आएंगे उन एक ही स्पीसीज के नर और मादा से उत्पन्न होने वाली संततियां क्या होगी, असमानताएं होगी, उनमें असमान लक्षण प्रकट यहां पे हो जाएंगे, इसी को हम क्या कह देंगे, वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं कहा जाएगा। ओके, उत्पन्न होने वाली संततियां क्या होगी, उनके लक्षण क्या होंगे, असमान होंगे। ओके, और उत्पन्न होने वाली संतति कभी भी उनके माता और पिता के जैसे 100% नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ लक्षण अलग आएंगे यानी कि असमानताएं भी यहां पर प्रकट होती है, तो इसी को हम कहते हैं विभिन्नताएं। तो चलिए फ्रेंड, हम बेसिकली इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात कर रहे थे, वेटनरी जेनेटिक्स की बात कर रहे थे क्या होती, तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगली तो हम बात करेंगे, चलिए अगला हम देखेंगे कुछ टर्म जो है यहाँ पे, पहले सबसे पहले हम देखेंगे
सबसे पहले इस आनुवंशिकी की बात करते हैं, इस जेनेटिक्स की बात करते हैं, इसकी पहले शुरुआत किसने की थी वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स की यदि हम बात करेंगे तो वो हमारे कौन है, वो है हमारे मेंडल साहब। कौन है? मेंडल। और मेंडल साहब का पूरा नाम हो जाएगा ग्रिगोर जॉन मेंडल, ग्रिगोर जॉन मेंडल साहब। तो आपसे पूछा जा सकता है आनुवंशिकी जो जेनेटिक्स होती है उसका जनक कौन है, तो वो है हमारे ग्रिगोर जॉन मेंडल सर है, यानी कि मेंडल, आप इतना सा याद रखिए, मेंडल सर जो है। ओके, आपसे पूछ लिया जाए ये जो जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यानी कि जो आनुवंशिकी है, ये शब्द किसने दिया था? आपसे पूछा जा सकता है ये शब्द किसने दिया था, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स जो शब्द है ये किसने दिया था? तो ये दिया था, याद रखना आप, बैटसन। किसने दिया था? बैटसन जो सर हैं, उन्होंने यहां पे ये दिया था। ओके, तो जेनेटिक्स आनुवंशिकी जो शब्द है वो किसने दिया था? बैटसन सर ने दिया था। ओके, अगला आपसे पूछा जा सकता है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, यानी कि इसे हम कहते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स। चलिए बताइए फ्रेंड्स, यानी कि हम बात करेंगे आधुनिक आनुवंशिकी जो है या मॉडर्न जेनेटिक्स की हम बात करेंगे, उसका जनक यहां पे कौन है? तो आपको याद रखना है वो है हमारे बैटसन सर, बैटसन। यानी कि आपसे पूछा जाए आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है, मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक कौन है, वो है हमारे बैटसन सर है। कौन है? बैटसन सर है। चलिए, यहां तक आपको पता चल चुका है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रायोगिक, प्रायोगिक आनुवंशिकी। जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स प्रायोगिक आनुवंशिकी है, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए थे उनके जनक की बात करते हैं, उनके जनक की बात करते हैं। तो उनका जनक कौन है? वो है हमारे मॉर्गन सर, वो है हमारे मॉर्गन सर की हम यहां पे बात कर लेते हैं। तो हमसे यहां से यह पूछा सकता है आनुवंशिकी का जनक कौन है? ग्रिगोर जॉन मेंडल सर है। आपसे पूछ लिया जाए जेनेटिक्स जो आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था? यह दिया था हमारे बैटसन सर ने। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है? वो हमारे बैटसन सर। मॉडर्न जेनेटिक्स जो आप कह रहे हैं वो बैटसन सर है। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक कौन है? वो है हमारे यहां पे मॉर्गन सर की हम यहां पे बात कर लेते हैं। तो ये था कुछ बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि भाई किस टाइप के यहां पे होते हैं। ओके, अब अगला छोटा सा और देख लेते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। हमने अभी एक वर्ड देखा था वंशागति, वंशागति यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी वंशागति। ये जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया था? याद रखना है ये शब्द दिया था स्पेंसर सर ने। किसने दिया था? स्पेंसर सर ने दिया था, स्पेंसर। ओके, तो वंशागति हेरिडिटी जो वर्ड है वो किसने दिया था? हमारे यहां पे स्पेंसर सर ने यहां पे दिया था। तो चलिए फ्रेंड, यहां बेसिकली हम देख रहे थे वो हमारे यहां पे कंप्लीट हुए हैं। चलिए थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि यहां पे हम अभी देख, जैसे कि अभी हमने वंशागति के बारे में और देख लिया, अब विभिन्नताएं की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। विभिन्नताएं, आप समझ चुके हैं कि विभिन्नताएं जो होती है उनका अर्थ क्या है,
उसका मतलब क्या है, विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ही स्पीसीज से उत्पन्न होने वाली संततियों में जो असमानताएं जो उत्पन्न होती है उसी को हम कहते हैं विभिन्नताएं। और यह विभिन्नताएं दो प्रकार की हो सकती हैं। विभिन्नताएं के प्रकार के यदि हम थोड़ी सी बात करते हैं तो इनके दो प्रकार हो सकते हैं। पहला, जैसे कि आनुवांशिक विभिन्नता। आनुवांशिक विभिन्नताएं की बात करेंगे तो आनुवांशिक विभिन्नताएं क्या होगी, यानी कि आनुवांशिक विभिन्नताएं के अंदर होगी कि जो एक ही स्पीसीज से उत्पन्न होने वाले संततियों में जो जीन होती है उस जीन में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होने से हो जाएगा, जीन में जो परिवर्तन, जो पशु जीव होगा, पशु जीव की जीन जो होती है उस जीन में परिवर्तन हो जाएगा। और उस परिवर्तन होने से क्या होगी, कुछ वहां पे असमानताएं होगी और उसी को हम बोल देंगे आनुवांशिक विभिन्नताएं कहा जाएगा। ठीक है, फिर हम देख लेंगे सेकंड की हम बात करते हैं। एक होती है वातावरणीय विभिन्नताएं। वातावरणीय विभिन्नताएं, ओके, वातावरणीय विभिन्नता में क्या होगा, किसमें चेंज, यानी कि वातावरण के अंदर कुछ परिवर्तन से हो जाएगी, वातावरणीय परिवर्तन से, वातावरणीय परिवर्तन से उत्पन्न उत्पन्न असमानता है। जो कुछ एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं, वातावरणीय कारकों में परिवर्तन हो जाएगा, वातावरणीय कारकों में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब वातावरणीय कारकों में, एनवायरमेंटल फैक्टर में जब चेंजेस परिवर्तन होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगी, विभिन्नताएं उत्पन्न यहां पे हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमने बेसिकली हम देख चुके हैं कि विभिन्नताएं भी किस प्रकार से यहां पे होती है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम यहां तक हम बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि जेनेटिक्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखने वाले यहां पे वो हम देखेंगे यहां पे टर्मिनोलॉजी, यानी कि पूरी जेनेटिक्स, पूरी वेटनरी जेनेटिक्स, पशु आनुवांशिक के अंतर्गत जितनी भी हम शब्दावली, यानी कि जितनी भी टर्म्स, टर्मिनोलॉजी जो यूज करने वाले हैं वो कौन कौन सी होगी जो पूरी जेनेटिक्स के अंतर्गत हमारे यहां पे काम आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला हम देख लेते हैं टर्मिनोलॉजी। शब्दावली की हम बात करेंगे यहां पे, शब्दावली टर्मिनोलॉजी, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे टॉपिक टर्मिनोलॉजी। कुछ टर्म्स से हम यहां पे यूज करने वाले हैं जो पूरी हमारी जेनेटिक्स के अंतर्गत काम है आएगी। चलिए, तो सबसे पहली चीज हम यहां पे बात करेंगे कि टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत हम कुछ देख चुके हैं, जैसे कि हमने आनुवांशिक की क्या मतलब होता है, वंशागति उसका क्या मतलब होता है, विभिन्नताएं उसका क्या मतलब होता है, वो जान देते हैं। अब हम देखेंगे यहां पे टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहले एक वर्ड आता है कारक। सबसे फर्स्ट आता है कारक, जिसे हम कहते हैं फैक्टर। फैक्टर, फैक्टर यानी कि कारक की बात करेंगे। अब इस कारक का मतलब क्या है इस आनुवांशिकी के अंतर्गत, तो हम देखेंगे यहां पे क्या है कि कोई भी जो पशु जीव होता है, जो भी पशु जीव होता है, उस पशु जीव के जितने भी लक्षण होते हैं, तो पशु जीव के जो भी लक्षण होते हैं तो उन लक्षणों का निर्धारण, जो भी पशु जीव होते हैं उनके जितने भी लक्षण होते हैं तो उन लक्षणों का निर्धारण करने के लिए, निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार कारक किसे कहेंगे, यानी कि कारक उसे कहा जाएगा जो पशु जीवों के जितने भी जो लक्षण होंगे, करेक्टर्स जितने भी लक्षण होंगे उनका निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार होगा, उसी को हम कहते हैं कारक। और याद रखिएगा ये कारक जो शब्द है यहां पे, ये कारक शब्द किसने दिया था, ये मेंडलसन ने दिया है। किसने दिया है यहां पे, मेंडलसन ने क्या दिया है इसको,
कारक का है कि जो भी पशु जीव होते हैं उनके लक्षणों का निर्धारण जो करता है, तो पशु जीवों के लक्षणों को, किसी भी लक्षण को निर्धारित करता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, कारक कहा जाता है। जैसे कि कोई पशु जीव है, तो वो जो पशु जीव है उसकी हम हाइट की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं। तो किसी की लंबाई, यानी कि उस कोई पशु जीव लंबा है और कोई बोना है, इसका मतलब लंबा यहाँ पे क्या है, लक्षण है, बोना क्या है, यहाँ पे लक्षण है। तो अब इन दोनों को, लंबेपन को और बोनेपन, ये क्या लक्षण है, इनका निर्धारण कौन करेगा, उसी को मेंडल साहब ने क्या कहा है, कारक कहा है, उसी को क्या कहा है, कारक कहा यहाँ पे। ओके, अब यानी कि पशु जीवों के लक्षणों का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार जो होता है उसी को हम कारक कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, और मेंडल साहब ने ही इसको क्या बोला है, कारक का है। लेकिन रियल में एक साइंटिस्ट आए हैं, जॉनसन, जॉनसन, और जॉनसन सर ने ही इसी कारक को ही, जॉनसन ने ही जो कारक है उस कारक को ही जीन का है, क्या कहा है बताइएगा, जीन का है। इसका मतलब जो भी आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं, तो उन आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करने के लिए जो कारक पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम जीन कहते हैं। तो जीन का क्या मतलब हो जाएगा, जीन का मतलब ये हो जाएगा यहां पे कि पशु जीव के आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करने वाला जो कारक होता है उसी कारक को हम क्या कह देंगे, यहां पे जीन कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, जीन कहा जाएगा। इससे ही हम कह देते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति की इकाई, वंशागति की इकाई, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो वंशागति की इकाई कौन होती है, यहां पे जीन होती है। जीन की परिभाषा क्या है कि पशु जीवों के जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, तो उन आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करने वाला जो कारक होता है उसी कारक को हम क्या कह देते हैं, यहाँ पे जीन कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए ये जो जीन शब्द है, ये जीन शब्द किसने दिया था, जो जीन जो शब्द है ये जीन शब्द किसने दिया था, ये जॉनसन सर ने दिया था। किसने दिया था, जॉनसन सर ने क्या दिया था, इसे जीन बोला यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड, आपको यहां तो ये समझ में आ गया, पहली टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारी फैक्टर को लेकर के, कारक को लेकर के, कारक मेंडल साहब ने इसको कारक कहा, लेकिन जॉनसन सर ने इसी को क्या नाम दिया है, जीन नाम दिया है। जीन है क्या रियल में, कि जो पशु जीव होते हैं उनके आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारण करने के लिए जो कारक जिम्मेदार होता है और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हमें जीन कहा जाता है यहाँ पे, और जीन वंशागति की यहाँ पे इकाई भी होती है। चलेगा, ओके, अगला हम देख लेंगे यहां पे। अब जैसे कि हमने बोला कि जो पशु जीव है उसके आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारण करने वाला कारक क्या है, जीन है। इसका मतलब इस आनुवंशिकी के अंतर्गत इसको हम निर्धारण करने के लिए भी क्या करेंगे, कुछ हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि कोई पशु जीव है, जैसे कि कोई पशु जीव है, अब ये जो पशु जीव है इसका क्या हो सकता है, इसकी हम लंबाई की बात कर लेते हैं, ऊंचाई की, लंबाई की बात कर लेते हैं, हाइट की बात कर लेते हैं। तो इसकी हाइट के लिए क्या होगा, लक्षण होगा, जैसे कि या तो पशु जीव क्या होगा, लंबा होगा, और या क्या होगा, वो बोना होगा, या तो वो लंबा होगा या फिर वो बोना होगा। अब इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको पता है लंबा जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉल, क्या बोलते हैं, टॉल। बोना जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ड्वाफ। ओके, अब हम बात करेंगे कि भाई इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, इसके लिए कोई सिंबल यूज करेंगे हम लिखने के लिए। तो अब इस जीन को लिखने के लिए क्या कैसे यूज करेंगे, जैसे कि आपने देखो सबसे पहले देखना है कि भाई पशु जीव जो होती है उसकी लंबाई की हम बात करते हैं, उसके दो लक्षण, एक लंबा और बोना। याद रखना है कि जो लंबा वाला है ये इसका क्या होता है, ये प्रभावी होता है थोड़ा सा, लक्षण क्या है, प्रभावी है, और ये क्या होता है, अप्रभावी होता है। ओके, तो अब जो लंबा है इसका क्या आता है, पहले टी आता है। अब जब ये प्रभावी जो लक्षण होता है लंबा,
कैपिटल, तो इसको हम कैसे शो कर देंगे, कैपिटल टी से शो कर देंगे। और इसको हम क्या कर देंगे, डी नहीं लेकर के इसी को इसी के अकॉर्डिंग, यहां पे प्रभावी लक्षण लंबा है तो प्रभावी लक्षण को हम अंग्रेजी के अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से हम लिखेंगे, जबकि अप्रभावी जो लक्षण होता है उसको हम इसी के अकॉर्डिंग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में लिख देंगे, स्मॉल टी के अंदर लिख देंगे। तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये रियल में है क्या, ये यही है कि जो अनुवांशिक लक्षण कौन सा लंबे वाला, ये कौन सा बोने वाला, उसको निर्धारण कर रहा है, उसको डिटरमाइन कर रहा है। तो निर्धारण करने वाला जो ये कारक है, ये फैक्टर है, यही क्या है, इसी को हम कहते हैं जीन होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, यही यहां पे जीन होती है। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि भाई हम जीन जो होती है उस जीन को हम किस प्रकार से यहां पे डिनोट करते हैं, यानी कि उसका कौन सा प्रतीक जो हम यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, समझ में आ चुका है कि जो भी कोई लक्षण होगा उस लक्षण के दो वापिस लक्षण होंगे, विप्रयासी दो लक्षण होंगे, एक प्रभावी होगा और एक अप्रभावी। हमें देखना है कि प्रभावी जो है उसका जैसे लंबा है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉल, और टॉल का कैपिटल जो पहले टी लेते हैं वो टी में भी अब दो टी आएंगे, ये क्या रे क्या, लेकिन प्रभावी जो लक्षण है उसको हम बड़े टी से अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े टी से, और अप्रभावी वाले को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे टी स्मॉल टी से हम यहाँ पे इसको प्रतीक के रूप में इसका यूज किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड यहां तक आपको समझ में आ गया कि वास्तव में जो जीन है या जो फैक्टर की हम बात करते हैं वो यहां पे क्या है। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं, यहां पे अगली टर्मिनोलॉजी की हम बात करेंगे यहां पे, वो है हमारी एलील। एलील जिसे हम हिंदी में और कहते हैं युग्म विकल्पी, एलिल, यानी कि हम बात करेंगे युग्म विकल्पी एलिल की हम बात करेंगे। चलिए अब इस एलिल के यदि हम बात करते हैं तो एलिल का मतलब ये होता है, याद रखिएगा, जो भी जीन होती है या जो लक्षण जो होता है, लक्षण जो जीन है, तो जो भी जीन होती है उसके अल्टरनेटिव फॉर्म, जीन जो होती है उसकी जो अल्टरनेटिव जो फॉर्म होती है उसी को हम कहते हैं एलील, यानी कि युग्म विकल्पी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए कैसे समझते हैं, जैसे कि पता है आपको कि जो भी जीन होती है तो वो कहां पे होती है, वो क्रोमोसोम पे लगी होती है। जैसे कि यहां पे इस जगह पे क्या होगी, जैसे कि किसी लक्षण वाली ए वाली जो जीन है वो यहां पे, दूसरी कहां होगी, ये गुणसूत्र बना रहा हूं मैं क्रोमोसोम, इसके ऊपर यहां पे लगी होती है, ये हो गई। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, जैसे कि मैं दूसरा लक्षण ले रहा हूं, एक और ये लिया, जैसे मैं दूसरा लक्षण ले रहा हूं, ये कैपिटल बी दूसरे का प्रभावी हो जाएगा, ओके, और एक ये हो जाएगा स्मॉल बी। तो यानी कि गुणसूत्र पे क्या लगी होगी, जीन लगी होगी, और वो जीन किसको प्रदर्शित कर रही है, किसी लक्षण को, जैसे कि ये कोई एक लक्षण है उसका प्रभावी अप्रभावी, प्रभावी अप्रभावी दूसरे लक्षण की, ओके। तो यहां पर यह हम देख रहे हैं कि ये किस, ये क्या आ गई यहां पर, यानी कि ये जो अल्टरनेटिव जो फॉर्म आ रही जीन की, इसी को हम क्या कहते हैं, एलील यहां पे कहा जाता है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि ये जो एलील है वो किस प्रकार से यहां पे है, तो इसे हम कहते हैं कि भाई एक ही लोकस, लोकस क्या है, एक ही लोकस, तो जब एक ही लोकस पर जीन जो होती है उसका हम पेयर जोड़ा बनाएंगे, और वो क्या, दोनों जीन एक दूसरे के विकल्प होंगे। विकल्प का मतलब हम और समझते हैं कैसे, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं पशु जीव की लंबाई की बात करता हूं, पशु जीव उसकी लंबाई की बात करता हूं, तो अब ये जो पशु जीव की लंबाई की बात करता हूं तो इसके अंदर क्या होगा, पशु जीव लंबा होगा और बोना होगा। तो यहां पे ये जो लंबा और जो बोना है वही तो क्या है, उसी को हम कहते हैं यहां पे एलील। जैसे कि हम इसको कैपिटल टी से इसको स्मॉल टी से शो किया, ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल को कोणी, इससे कैपिटल ए से और इसको स्मॉल ए से,
कैपिटल बी से और स्मॉल बी से, तो ये रियल में क्या है, ये एलील बन गए, आ गया समझ में। ओके, अब इनके जोड़े बना देंगे, जैसे कि मैं इसका जोड़ा बना दूं कैपिटल टी, इसका जोड़ा बनाऊं स्मॉल टी, ओके। तो यहां पे ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये रियल में है क्या, यही तो एलील है। यानी कि एक ही लोकस पर उपस्थित जीन का वह जोड़ा, जीन का, जीन बताइए मैंने कैपिटल टी, उसका वह जोड़ा जिसमें दोनों जीन एक दूसरे के विकल्प होते हैं, जिसमें दूसरे के विकल्प होते हैं, देखिएगा विकल्प यहां पे, ठीक है। जैसे कि इन दोनों का मिक्स क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी क्या है, ये एलील हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या हो गए, एलील हो गए। तो जब यहां पे इस प्रकार से इन एलील को भी यहां पे शो करते हैं, ओके, यानी कि इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन की हम बात करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एलील युग्म विकल्पी जोड़े में है, और वो एक दूसरे के विकल्प भी प्रोवाइड करवा रहा है, नाम है ना, युग्म मतलब जोड़ा, विकल्प ही मतलब विकल्प, ओके। तो आप इतना याद रखिए, जीन का अल्टरनेटिव जो फॉर्म होता है, विकल्पी जो प्रारूप होता है जीन का, उसी को हम क्या कहते हैं, एलील कहा जाता है। और एलील को हमने कैसे शो किया, जैसे देखो ए वाली है, तो ए वाली, तो इसका हम बनाएंगे तो क्या बना देंगे, ये बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल है, स्मॉल ए स्मॉल, इसका और बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल है, इसका कैपिटल बी स्मॉल बी, ये बन जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, ओके। तो यहां पे हम क्या बना चुके हैं, एलील भी यहां पे बना चुके हैं। तो एलील यानी कि युग्म विकल्पी का मतलब होगा कि एक ही लोकस पर, एक एक ही लोकस पर जीन का वह जोड़ा जिसमें दोनों जो जीन होगी, वो दोनों जीन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विकल्प हो जाएगी, ओके। जैसे कि हमने लंबाई का लिया, उसका आप कलर का ले सकते हैं, ब्लैक और व्हाइट कलर का ले सकते हैं, उससे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां तक हम बात कर रहे थे, ये एलील युग्म विकल्पी की हम बात कर रहे थे, किस प्रकार से होते, तो हमने समझा कि जीन और एलील की हम यहां पे बात कर ले। यहां पे आप एक थोड़ा सा और देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है, यहां पे भी है, ओके। आपने कभी नाम सुना जीन थ्योरी, जीन थ्योरी, जीन सिद्धांत, ओके। इस जीन सिद्धांत का ये मतलब होता है कि भाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, तो उन गुणसूत्रों पर जो जीन होती है वो कैसे होती है, वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है। यानी कि जो जीन होती है वो गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहती है। जीन थ्योरी का मतलब जीन जो होती है वो गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में, लीनियर सीक्वेंस के अंदर व्यवस्थित होती है, इसी को हम कहते हैं जीन थ्योरी भी कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, मैं आपको डायग्राम समझाता हूं, जैसे कि ये गुणसूत्र क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, तो इस क्रोमोसोम पे हम बात करेंगे, तो गुणसूत्रों पे क्या उपस्थित होगी, जीन होगी, और वो कौन सी होगी, रेखीय क्रम में। जैसे कि मान लेते हैं यहां पे ये, फिर आगे देखेंगे, फिर आगे ये, फिर आगे देखेंगे इसका ऐसा होगा, तो ये यहां पे, तो आप देख रहे हैं कि जो जीन होती है गुणसूत्रों पर कैसे हैं, रेखीय क्रम में व्यवस्थित हैं, तो इसे हम कहते हैं जीन सिद्धांत। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जीन की बात करते हैं तो जीन कहां है, गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है, जीन जो होती है गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसे हम क्या देते हैं, जीन सिद्धांत। और आपको पता है किसने दिया था, ये मॉर्गन सर ने दिया था, मॉर्गन ने दिया, किसने दिया था, ये मॉर्गन ने दिया था, ओके। तो आप समझ गए जीन थ्योरी क्या है, कि जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसी को हम कहते हैं जीन थ्योरी। तो यहां पे हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि जीन क्या होती है, एलील क्या है, इसके बाद में हमने थोड़ा सा देख लिया जीन थ्योरी भी क्या है, ओके। इसको हम एक किसी डायग्राम समझते हैं, जीन एलील और यहां जीन थ्योरी को भी हम समझ लेते हैं। चलिए फ्रेंड, यहां पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से, जैसे कि जो
गुणसूत्र की हम बात कर रहे हैं, ये क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र है। जब ये गुणसूत्र है, इसी गुणसूत्रों पे हम देखेंगे कि एक ऐसी जगह होगी, एक ऐसी साइट होगी, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान होगा जहां पे क्या होगी, जीन स्थित होती है। गुणसूत्र पर स्थित कोई वह स्थान, वह जगह है जहां पे जीन स्थित होती है, उसी को हम कहते हैं लोकस। क्या कहते हैं? लोकस। तो एक टर्मिनोलॉजी और आ गई हमारे पास में, लोकस। लोकस किसे कहेंगे? यानी कि गुणसूत्र पर जो स्थित एक वो जगह, एक वो साइट, वो स्थान जहां पे क्या होती है, जीन लगी होती है, उसी को हम कहते हैं लोकस की बात करते हैं। जैसे कि गुणसूत्र की हम बात की, इसी गुणसूत्र की हम बात करते हैं। तो इस गुणसूत्र पर स्थित वह स्थान जहां पर जीन लगी होती है या स्थित होती है, स्थित होती है, उसे हम लोकस कहते हैं। क्या कह देंगे? लोकस कहते हैं। क्या कहा जाएगा? उसे लोकस कहा जाएगा। यानी कि गुणसूत्र पर स्थित वह स्थान जहां पे जीन स्थित होती है, जीन लगी होती है। देखिए गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र के ऊपर देखिएगा, ये आपको कैपिटल ए दिखाई दे रहा है। अभी मैंने बताया था कैपिटल ए रियल में क्या है, ये क्या कर रहा है, किसी लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। किसको? किसी लक्षण, और लक्षण कैपिटल में है तो किसको, यानी कि किसी प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है ये कैपिटल ए। ओके, तो ये कैपिटल ए रियल में क्या है, किसी लक्षण को। और पता आपको लक्षणों का निर्धारण कौन करती है? जीन करती है। कौन करती है? जीन करती है। यहां पे तो रियल में ये जो कैपिटल ए और जो स्मॉल ए, ये रियल में है क्या? जीन है। और ये जीन किसके ऊपर है? गुणसूत्र पर है। और जिस जगह पे लगी हुई है उसको क्या कह देंगे? लोकस कह देंगे। क्या कह देंगे? लोकस का यहां पे जगह। दूसरा देखो, यहां पे क्या, ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पर यहां पे कैपिटल बी, यानी कि कोई दूसरा कोई लक्षण है और उसका क्या प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। तो यहां पे ये वाली जो जगह है, ये वाली रियल में जो ये जगह है, ये है क्या, इसी को हम कहते हैं लोकस है। क्या है? इसी जगह को क्या है? लोकस। ओके, और इसी लोकस के ऊपर जैसे ये जो लक्षण है, ये लक्षण रियल में कहां, इसके अंदर है। तो ये जो लक्षण है वास्तव में क्या है, ये लक्षण किसका, यानी कि ये रियल में जीन है, प्रभावी लक्षण, यानी कि यहां पे ये जीन होती है। ओके, अब आप देखते हैं कि जो यहां पे क्या आ रही है, कैपिटल ए भी आ रहा है और स्मॉल ए भी आ रहा है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए जो रियल में आ रहा है, ये दोनों जो हैं, ये रियल में है क्या? एलील तो है, दोनों क्या है यहां पे? एलील है। ओके, और ये दोनों जो है, ये कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये भी तो क्या है? एलील है। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं हम एक होमोलोगस, हम क्रोमोसोम का एग्जांपल लिया है और उसके ऊपर हमने देखा है कि भाई जो ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र के ऊपर यहां पे हम देख रहे हैं, तो ये कोई एक जगह, कोई एक स्थान हो गया, ये वो जगह या वो स्थान है जहां पे जीन लगी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। ओके, और यहां दोनों के देखो कैपिटल है और स्मॉल है, जो अल्टरनेटिव देखो, कोई भी लक्षण है ना, उस लक्षण का अल्टरनेटिव हैंग नहीं है, अल्टरनेटिव फॉर्म है या नहीं, कैपिटल है और स्मॉल है, इसलिए हम इसको कह देते हैं यहां पे ये क्या है? एलील होती है। ओके, अब एक चीज जैसे कि मैं आपको जनरली बता रहा हूं, ये जैसे कि मैंने क्या लिया, एक क्रोमोसोम, एक गुणसूत्र लिया ऐसा, ये दूसरा और लिया। ओके, अब मान लेते हैं मैंने कोई एक लक्षण लिया, उस लक्षण का प्रभावी, उस जो मैंने लक्षण लिया कोई भी, उसका विपरीत लक्षण दो होंगे, एक प्रभावी होगा और दूसरा क्या होगा? अप्रभावी होगा। आपको पता है जो प्रभावी लक्षण होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल से। मान लेते हैं मैंने कोई लक्षण लिया ए वाला, तो उसका कैपिटल है और इसका हुआ है स्मॉल ए। अब इसका मतलब ये जो मेरे पास में क्या गुणसूत्र है, और इस गुणसूत्र के ऊपर यहां पे क्या हो गए, एक जगह ऐसी होगी, ये जगह हो गई, ये एक जगह ऐसी होगी जहां पे क्या होता है, वो लक्षण स्थित होता है, यानी कि कैपिटल ए वाला यहां पे स्थित। इसका मतलब कैपिटल लक्षण है, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये जीन है। क्या है भाई? ये जीन जो कि यहां पे लगी हुई है। ओके, अब जो दूसरा स्मॉल ए वाली है, ये स्मॉल ए, अब आपको पता है स्मॉल ए कहां लगा होगा, ये यहां पे लगा होता है। ठीक है, यानी कि ये, तो ये रियल में, ये जो स्मॉल ए वाली, ये रियल में यहां पे भी क्या है? जीन है। मतलब गुणसूत्रों पर स्थित वह स्थान
वह जगह जहां पे जीन स्थित है, कैपिटल ए वाली जीन, स्मॉल ए वाली जीन स्थित होती है, उसी को हम कहते हैं, ये वास्तव में रियल में जगह कौन सी बन गई बताइएगा, इसी को हम कहते हैं लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकस कह देते हैं, यानी कि आप कहते हैं लोकेशन, तो ये लोकस वहीं से वर्ड है, लोकस यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये तो इसकी लोकस हो गई। अब आप याद रखना, देखो मैंने क्या किया, प्रभावी वाले और अप्रभावी वाले लगाए ना, ओके कैपिटल ए और स्मॉल ए, प्रभावी लक्षण ए प्रभावी लक्षण। अब आप याद रखिएगा कि जो भी मतलब समान जो एक समान जो लक्षण होते हैं, जो भी समान लक्षण होंगे, समान लक्षण का मतलब जो एक ही गए, जैसे कि उसके दो हो गए, जैसे कि प्रभावी और अप्रभावी की बात करते हैं, याद रखना तो इनकी जो एलील होती है, इनकी जो एलील, एलील कौन सी, जैसे कैपिटल है एग्जांपल स्मॉल है, अभी तो दोनों जो एलील होती है याद रखना ये लोकस पर हमेशा आमने सामने होती है, लोकस पर हमेशा आमने सामने स्थित होती है, हमेशा कहाँ होगी, आप देखो कैपिटल है स्मॉल है आमने सामने, कैपिटल भी स्मॉल भी आमने सामने ही ये स्थित होती है, अपोजिट में यहाँ पे नहीं हो सकती है, जैसे कि ये तो सही है। अब देखो आपको यदि ऐसा ऐसा हो, जैसे कैपिटल है कोई प्रभावी लक्षण है, उसकी जीन लोकस पे लगी हुई है, अब दूसरी मान लेते दूसरे की इसकी ये स्मॉल ए या, तो ये क्या होगा, गलत होगा, ये सही नहीं है, आ गया समझ में, मतलब यहाँ पे गलत होगा, सही ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि कहाँ आमने सामने नहीं है, जबकि ऐसा हो कैपिटल ए और स्मॉल ए तो ये राइट सही है, ये आ गया समझ, बट जबकि क्योंकि आपको पता है कि गुणसूत्र पर जो भी जीन लग रही है ना, उसके जो विपर्यासी लक्षण की जीन लग रही है वो हमेशा कहाँ स्थित होगी, वो हमेशा आमने सामने ही स्थित होती है, आमने सामने ही स्थित होती है, यदि अपोजिट होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ये गलत है, आ गया समय। तो चलिए फ्रेंड यहां तक हम देख रहे थे कि भाई जो हमारे पास में गुणसूत्र थे उस गुणसूत्र के ऊपर हमारे पास किसी लक्षण को निर्धारित करने वाली जो जीन होती है वो कहां लगी होती है, याद रखना वो हमेशा कहां होती है, लोकस पर, लोकस किसे कहेंगे, गुणसूत्र पर स्थित वह स्थान जहां पर जीन स्थित होती है उसे हम कहते हैं लोकस कहेंगे। यहां आपको पता जीन लक्षणों को निर्धारित कर रही है, कैपिटल और स्मॉल ए और कैपिटल बी और स्मॉल बी की हम बात कर रहे थे। तो यहां तक हमने समझ लिया है कि भाई जो जहां पे हमने समझाया कि गुणसूत्र पर जो जीन कहां पे लगी हुई, लोकस कहां पे है, तो ये चीज। चलिए फिर अभी हमने एक और देखा था कि जीन थ्योरी, जीन थ्योरी का मतलब हुआ है कि आपको पता है कि जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र होते हैं, इसी गुणसूत्रों पे कैसे होती है जीन होती है ना, तो ये जो जीन स्थित होती है इसी को हमने क्या कि गुणसूत्रों पर जो जीन होती है वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है और इसी को हम क्या कह देते हैं, जीन थ्योरी हमने बोला था। जैसे कि देखिएगा आप इस डायग्राम के अंदर, यहां पे देखिएगा तो यहां पे देखो एक गुणसूत्र गुणसूत्र की बात करते हैं, ओके आपको यहां तक समझना केवल, तो ये गुणसूत्र की बात करते हो, यहां पे जीन लगी हुई है, यहां पे लगी हुई है, यहां पे लगी हुई है, तो इसका मतलब यहां पे हम देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम यानी कि जो गुणसूत्र होता है, यानी कि गुणसूत्र की बात करते हैं, तो इस गुणसूत्र पे हम देखेंगे जो जीन होती है वो जीन कैसी होती है, रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है, कौन से क्रम में व्यवस्थित होती है, रेखीय क्रम के अंदर क्या ये व्यवस्थित होती है। देखो यहां जीन लगी होगी, यहां होगी यहां, तो ये जीन जो होती है वो रेखीय क्रम में यहां पे व्यवस्थित, जैसे कि मैंने आपको बताता हो ऐसा समझाया था, ये गुणसूत्र बनाया, यहां लगी होगी, यहां लगी होगी, यहां रियल में कौन लगी हुई है, जीन, और ये क्या है, ये होता है गुणसूत्र। इसका मतलब जो जीन होती है वो गुणसूत्र रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है, जैसे कि गुणसूत्र बना हुआ है इसके ऊपर यहां जीन और यहां पर यह जीन लगी होती है, तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे देखिएगा ये जैसे गुणसूत्र बना हुआ है और इस गुणसूत्र ऊपर क्या बनी हुई है, जीन लगाई हुई है, तो ये भी क्या है, ये कि इसको हम कहते हैं यानी कि जीन थ्योरी, हम जैसे मॉर्गन सर ने जो यहाँ पे दी थी, तो गुणसूत्र पर जीन जो होती है वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है। देखो आप यहाँ पे जीन लगी होगी, यहाँ पे लगी होगी, यहाँ पे लगी होगी, ठीक है, तो इसी को हम क्या कह देंगे यहाँ पे, यानी कि ये था हमारी जीन थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड यहां तक हम जनरली टर्मिनोलॉजी की बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से हम कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज की, जैसे कि हमने जीन की बात की, हमने एलील की बात की है, हमने अभी लोकस जो है, लोकस क्या होता है वो हमने बात पॉइंट की, उस पर भी की है, ठीक है, ओके, तो यहां तक हम देख चुके हैं कि भाई किस प्रकार से ये होता है, ओके।
आपको एक पता, जैसे हमने देखा कि वंशागति, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। चलिए यहां पे एक वर्ड आ जाएगा हेरिडिटेबिलिटी, हेरिडिटेबिलिटी की बात करेंगे। हेरिटेबिलिटी, ओके, हेरिटेबिलिटी की बात करेंगे। ये वर्ड कहां से आया? ये आया हेरिडिटी से, वंशागति से। और वंशागति से क्या होगा, यानी कि जो भी उनके पैतृक होते हैं या जो पैतृक, जो अनुवांशिक पशु जीवों के जो भी पशु जीव हैं उनके अनुवांशिक लक्षणों का, अनुवांशिक लक्षणों हम कह सकते हैं पैतृक से संतति में कह सकते हैं, या जो पशु जीव होते हैं उनके अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरण की जो क्षमता, कैपेसिटी की बात करेंगे, जो क्षमता होती है उसी को हम कहते हैं हेरिटेबिलिटी, हेरिटेबिलिटी उसी को हम कहते हैं हेरिटेबिलिटी कहा जाता है। इसको स्मॉल एच स्कोर से यहां से इसको प्रदर्शित भी कर देते हैं यहां पे। चलिए तो ये था हेरिटेबिलिटी की बात हम कर चुके हैं, ओके। तो चलिए फ्रेंड यहां तक हम बेसिकली हम कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे कि हमने जीन की बात की है, एलील की बात की, लोकस क्या होती है, हेरिटेबिलिटी क्या होती है, तो यहां पे हमने कुछ ये टर्मिनोलॉजी का यूज किया है।